नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। और मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। हमारी सिर्फ एक जाति है, न हम शारीरिक शिक्षा के हैं, न हम कला के हैं, न हम कंप्यूटर के हैं, न हम गृह विज्ञान के हैं, न हम कृषि विज्ञान के हैं, न हम ब्राह्मण हैं, न हम ठाकुर हैं, न हम कोई हैं, न हम कोई हैं। हम एक जाति है और हमारी वो जाति है अनुदेशक जाति। हम जिएंगे तो अनुदेशक के लिए और मरेंगे तो अनुदेशक के लिए। ये कसम खा के आपको एक बरेली की सरजमी से जाना होगा और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं। 1 जनवरी 2023 से जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में एकता का संदेश लेकर हम लोग निकले हैं, आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि आने वाला 31 दिसंबर 2023 से पहले यदि उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों को नियमित नहीं करा दूंगा, तब तक चैन से मैं बैठूंगा और मैं सरकार को बैठने दूंगा। ये मैं भरोसा दिलाता हूं आपको। अभी बहुत सारी बातें करूंगा, अभी मंशा सिंह अतिथियों का मैं नाम नहीं ले पाया, तो अभी मैं बहुत बहुत आभारी हूं अपने जिलाध्यक्ष। मुझे मालूम नहीं कि आप पहले कहाँ थे, नहीं थे, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। आप अनुदेशक हैं, हम सिर्फ इतना जानते हैं हम अनुदेशक की लड़ाई लड़ने आए हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, कोई हमारे लिए 2 कदम चलता है वो हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, कोई 50 कदम चलता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कोई 100 कदम चलता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति चलता है। तो हम, आप देखा होगा, आप न जाने कितने साल से मेरे क्रियाकलापों को देखा होगा, मैंने कभी किसी के बारे में न लिखा, न कभी किसी के बारे में बोला। अब मेरा कोई पोस्ट उठा के देख लीजिएगा, मैंने किसी के बारे में कभी एक शब्द नहीं लिखा, न एक शब्द नहीं पढ़ा, न एक शब्द कहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूं वो भी मेरा भाई अनुदेशक है। अपनी क्षमता के अनुसार हर आदमी लड़ाई लड़ रहा है, कटाक्ष करने का समय नहीं है। हमें एकता का संदेश देने आए हैं, इसलिए हमें किसी से, हमारा सब भाई है चाहे वो कोई भी हो, ये संदेश हमको देने आए हैं। इसलिए मैं, आप देखते होंगे मैंने हमेशा सबको सम्मान दिया है, सबको जी लगाकर बात किया है और सबको सम्मान देने का कार्य किया है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भानु जी से कि लगातार आपका प्रयास चल रहा था और आपने एक दिन फोन किया कि हम आपके क्रियाकलापों से बहुत प्रभावित हैं और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हमने कहा स्वागत है आपका, अभिनंदन है, हम वंदन करते हैं आपको। इन्होंने कहा कि गोरखपुर कब आ जाऊं, मैंने पूछा गोरखपुर से, बरेली से गोरखपुर की दूरी कितनी है, हमने कहा आप गोरखपुर मत आइए। फिर इन्होंने कहा लखनऊ आ जाऊं, आप जब लखनऊ आए तो आप बताएं मैं लखनऊ आ जाए, मैंने कहा आप लखनऊ भी मत आइए। फिर मैं जून में दिल्ली गया था, उन्होंने कहा दिल्ली आ जाऊं, मैंने कहा दिल्ली भी मत आइए, मैं खुद बरेली की सरजमी पर आऊंगा और तब आऊंगा जब कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। हालांकि अभी पूरा अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि इससे भी अच्छा लेकर फिर बरेली की सरजमी पर आऊंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी का और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विपिन सागर जी का और पवन सागर जी से रात को अक्सर बात होती है, चाहे 11:30 बज रहा हो चाहे 12 बज रहा हो। एक दिन तो 1:30-2 बजे तक रात तक आपसे बातें हुई पवन जी से और उसी दिन बहुत सारी प्लानिंग बनी। तो मैं पवन जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, अपने डॉक्टर साहब पंकज जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतनी विद्वान शख्सियत हम लोग के बीच में बैठी है। आपको नमन करता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। अपने कटियार साहब
जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो एक विनय कटियार जी का नाम आपने सुना होगा, तो हमें लगता है उसी परिवार से होंगे, और आपको हनुमान जी कहा जाता था विनय कटियार जी को। तो ऐसी ऐसी शख्सियत यदि मंच पे विराजमान है तो हमें नहीं लगता है कि बरेली का सरजमी से हम एक संदेश देकर नहीं जाएंगे। और मंच पे बैठी हुई अपनी बड़ी बहन सुब्रा शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इतनी कई सभा में कई जगह मीटिंग हुआ, अभी जौनपुर भी गया, हरदोई भी गया था 4 तारीख को, लेकिन महिलाओं की इतनी संख्या हमें नहीं मिली। जितने पुरुष हैं उतनी लगभग महिलाएं भी है। पहली ऐसा मीटिंग मैंने देखा है, चाहे वो कोई धरना रहा हो चाहे मीटिंग रहा हो, बहुत ईमानदारी पूर्वक बोल रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि बरेली में आके आप ऐसा बोल रहे हैं। वास्तव में जितने पुरुष है उतनी महिलाएं हैं, और ये पहली मीटिंग मैंने देखा भानु जी कहा जहाँ की पुरुष की इतना महिलाएं भी है। आप सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन, और बुरा मत मानिएगा हम लोग थोड़ा यदि पीछे हैं तो महिलाओं के कारण है, ये गुस्ताखी है, लेकिन इस जिले में ऐसा नहीं है, लेकिन इस जिले के लिए नहीं है, इसके लिए आप लोग क्षमा है अपने। तो सचिन कटियार जी की बात कर रहा था, जिला संयोजक, और राजेश जी का नाम ना लिया जाए तो जब महाराणा प्रताप जी ने सबको इकट्ठा करके अकबर से लड़ने का कार्य किया था तो भामा शाह की तरह भामा शाह के रूप में हमारे बीच में विराजमान राजेश कुमार जी और जिला के महासचिव झनकारी लाल जी आए हैं। एक दिन फोन से बात हो रही थी हमारी, नमस्कार आपसे बात हुई थी, आइए आए जरा, आपसे फोन से हमारी बात हुई थी। तो जिला के महासचिव झनकारी लाल जी, नरेंद्र भानसी जी, जितेंद्र कुमार जी, विजय कुमार जी, ज्ञान प्रकाश सिंह जी, अमित यादव जी, विकास कुमार सिंह जी, मुनेंद्र जी से अभी मुलाकात हुई है, कमरे में बैठा था हम लोग, कमल प्रताप जी, मोहम्मद सलीम जी, सतनाम सिंह जी आए हैं, सतनाम सिंह जी आए हैं, आप है सर, चलिए नमन है सर आपको। भगत सिंह के बात हुई थी आपसे, हम लोग भगत सिंह जी को बहुत पसंद करते हैं और आप लोग उसी के परिवार से हैं, तो नमन है सर आपको। अभिनव जी, केशव जी, शिव कुमार जी, गौरव गौतम जी, चंद्रभान जी, राकेश कुमार जी, अनिल सागर जी, रामनिवास सिंह जी, शेर सिंह जी, मीनाक्षी शर्मा जी आई हैं, मीनाक्षी शर्मा जी नमस्कार, कुछ नाम उधर, प्रीति मिश्रा जी, गीता जी, पूजा पाठक जी, दीप्ति सक्सेना जी, सुनीता शर्मा जी उधर, क्या किरण प्रीति मिश्रा जी, सुनैना शर्मा जी, आप सभी को नमन करता हूँ। गुरु गोरक्षनाथ की धरती से चलकर आया हूँ और एकता का संदेश लेकर आया हूँ। हमारे डीके भाई कल ही एक वीडियो चलाए थे कि एकता का संदेश लेकर बरेली मंडल में आ रहे हैं, आपका स्वागत है। और शाहजहाँपुर की धरती से चलकर आए हैं डीके भाई, सुबह ही आ गए, 70-80 किलोमीटर है। और देखिए सोशल मीडिया और मीडिया में एक ताकत होती है कि वो जिंदा आदमी को भी मुर्दा कर देता है और मुर्दा आदमी को भी जिंदा कर देता है। तो मीडिया के बंधु हैं, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना हम लोग कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, और इनका साथ मिल जाए तो फिर कुछ कहना नहीं है। तन मन धन से हैं, ताली बजाइए डीके भाई के लिए। सर आपका सुना, अरविंद जी के लिए भी ताली बजाइए, क्योंकि इन लोग का साथ होना बहुत जरूरी है। इस बंद कमरे में हम लोग क्या करें ना करें, इसका जब तक ये बाहर नहीं जाएगा ना तब तक कोई मतलब नहीं है, ये बाहर जाना बहुत जरूरी है। ये कहानी मैं सुनाऊं आपको, मुजफ्फरपुर में अंग्रेजों की मीटिंग थी, वहां बम फेंकने का कार्यक्रम था, अंग्रेजों की मीटिंग चल रही थी, वहां बम फेंकने का कार्यक्रम था। सबने कहा कि बम मैं फेंकूंगा, भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त, राजेंद्र लाहली, रोशन सेठ, सब में बाजी लगे कि मैं फेंकूंगा, सबने कहा मैं फेंकूंगा, मैं फेंकूंगा।
अब भगत सिंह को जिम्मेदारी दे दिया गया कि तुम लॉटरी निकालो, पता करो कौन फेंकेगा। भगत सिंह ने अपनी जिम्मेदारी को निभाना प्रारंभ किया और सबके नाम की पर्ची, जैसा लोग समझे कि सबके नाम की पर्ची भगत सिंह ने डाला होगा एक टोकरी में, जब पहली पर्ची निकली तो नाम निकला भगत सिंह। लोगों ने सोचा दूसरा नाम किसी और का होगा, दूसरी पर्ची निकली नाम निकला भगत सिंह, तीसरी चौथी पांचवीं छठी सातवीं आठवीं जितनी पर्ची निकली सब पे नाम निकला भगत सिंह। तो हम लोग तो चाहते हैं, टाइम है पूरा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, तो लोगों ने सोचा अब हम लोग चाहते तो हैं कि देश आजाद हो। देश आजाद होना माने यहां अनुदेशक आजाद होना, मतलब अनुदेशक नियमित होना। यहां आजाद होने का मतलब है हम अभी भी गुलाम हैं, भले हम आजादी की अमृत महोत्सव बना रहे हैं 75 साल, लेकिन आज भी उस देश में जो निर्माण भी कर सकता है हमारे हाथ में दोनों है, हम सृजन भी करते हैं, निर्माण भी करते हैं, विनाश भी कर सकते हैं। यदि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे दें, जैसा कि तो आईएएस पीसीएस भी बनता है और उसी में से कोई जाके चोर भी बनता है, क्यों? चोरी के लिए भी शिक्षा जरूरी है आजकल, तभी आजकल वो चोर भी बन पाता है। तो हम तो दोनों काम करते हैं, प्रलय और निर्माण दोनों हमारे हाथ में है। लेकिन उस देश में जिसको विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, कभी विश्व गुरु था फिर विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, और उस देश का अनुदेशक 300 रुपया प्रतिदिन में आज नौकरी कर रहा है, शायद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को यह मालूम चल जाए तो भारत की कितनी थू-थू होगी। कहने को तो हम भारत विश्व का 5वीं अर्थव्यवस्था है और उत्तर प्रदेश देश का 1ली अर्थव्यवस्था है, और उस अर्थव्यवस्था में आज एक अनुदेशक उसी डिग्री में, शायद हमसे कम डिग्री है, बहुत ऐसे अध्यापक होंगे आपके विद्यालय में आपकी डिग्री से कम उनकी डिग्री है, लेकिन वो प्रतिदिन 3,000 से 3,500 रुपया पा रहा है प्रतिदिन, और हम उसी डिग्री पर, उससे ज्यादा डिग्री पर 300 रुपया पा रहे हैं। जितना वो महीना में पाता है उतना हम साल में पाते हैं, जितना वो महीना में पाते हैं, अपना शायद नाम भी सही से निकले नहीं आता होगा, एमडीएम भरने भी नहीं आता होगा, अपनी छुट्टी लेने नहीं आती होगी, वो भी आज 1,10,000 रुपया पा रहा है। तो हमारा कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, और इसका कारण मैं मानता हूं तो पहले तो हम लोग स्वयं हैं, हम लोग स्वयं हैं, मतलब हम लोगों ने, हालांकि कुछ हम अपने नेतृत्व को भी जिम्मेदार मानते हैं, मैं भी अपने आप को उसमें जिम्मेदार मानता हूं, ऐसा नहीं है मैं अपने आप को दूध का धुला कह रहा हूं, कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती हुई है, लेकिन अब वो गलती ना हो। अब एक साल यदि, इसीलिए मैंने इस साल को अनुदेशक संघर्षों का साल नाम दिया है, अनुदेशक संघर्षों का साल इस साल को मैंने घोषित किया है, और इसलिए आपका समर्थन लेने आए हैं कि आपका समर्थन नहीं मिलेगा। और पश्चिम के लोगों ने तो इतिहास लिखा है, पश्चिम के लोगों ने तो इतिहास लिखा है, तो एक बार फिर इस बरेली की सरजमी से हम लोग इतिहास लिखने का कार्य करें, और एक साल ईमानदारी से हम लोग मेहनत कर दें, एक साल ज्यादा नहीं, एक साल, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण भी हैं। 24 में लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा से भी खराब हो रही है, और आप एक चीज जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत है उतना कमजोर भी है, कमजोर इन द सेंस यदि उनको लगता है, उनको लगेगा कि मेरी सत्ता जाने वाली है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अनुदेशक को नियमित भी कर सकते हैं। तो हम लोग पूरी ताकत लगाकर एक मंच पर आकर, जिसका भी जहां भी जिस भी जनपद में आपका परिचय हो, भले आप बरेली में भले रहते हो, लेकिन हर आदमी का उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में 4-5-10-20-25-50
जनपद में कहीं ना कहीं सबका है, कोई ना कोई रिश्तेदारी है, कोई ना कोई अनुदेशक है, उसको बात करिए, एक साल मेहनत कर लीजिए हम लोग, और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, एक साल ईमानदारी से हम लोग मेहनत कर ले तो नई शिक्षा नीति में तो मोदी जी ने लिख दिया है, नई शिक्षा नीति में कस्तूरी रंगन जी को बधाई भी देना चाहेंगे हम लोग, और मोदी जी को भी बधाई देना चाहेंगे कि हमारी महत्ता को उन्होंने समझा है कि अनुदेशक वास्तव में विद्यालय में करते क्या हैं। भले उत्तर प्रदेश सरकार अभी नहीं समझ पा रही है, हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भी समझ लिया है, देखिए दो लोगों ने समझ लिया, मोदी जी समझ लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझ लिया, अब दिक्कत है मोदी योगी जी नहीं समझ रहे हैं। तो एक साल और हम लोग मेहनत करें तो वो भी समझेंगे, और उनकी भी स्थिति अब खराब हो रही है, बहुत सारी बातें हैं जो सार्वजनिक जगह पे नहीं कही जा सकती है, लेकिन आप मान के चलिए, आप लोगों ने नई शिक्षा नीति देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, 5.5 पॉइंट अब जाके पढ़िएगा, 5.5 नई शिक्षा नीति में 5.5 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, आप जानते होंगे पहले हमारे विषय मुख्य विषय नहीं थे, पहले हमारे विषय को मुख्य विषय नहीं माना जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में हमारे सभी विषय को, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, चाहे वो कला हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कृषि विज्ञान हो, चाहे गृह विज्ञान हो, चाहे फल संरक्षण उद्यान हो, सबको मुख्य विषय माना गया है, और उसमें लिखा है, आप मेरी बात पे भरोसा ना करें, आप पढ़े उसको, आप खुद पढ़े, और उसमें लिखा है कि इसके स्थायी अध्यापक रखे जाने चाहिए, तो एक रास्ता आपके लिए बना ना। अभी उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं ये कहते हैं अभी भी कहते थे कि अनुदेशक सिर्फ 1 से 2 घंटा विद्यालय में पढ़ाता है, यही कहते हैं ना, यही बरगलाए हुए हैं अभी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, लोगों ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट से आपको क्या मिला, 39 पेज का फैसला है, 9 नंबर पॉइंट पढ़िएगा आप, 9 नंबर पॉइंट पे लिखा है दे टीच 1 पीरियड। हमको कहा जाता था कि ये तो 1-2 घंटा पढ़ाते हैं पार्ट टाइम है, उसमें लिखा है दे टीच 1 पीरियड, हम 8 घंटी पढ़ाते हैं, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जी कह रहे हैं, उसमें लिखा है कि अनुदेशक अपने विषय के अलावा और विषय हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाता है, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, राजेश बिंदल जी कह रहे हैं। अब आप बताइए जब ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो क्या सुप्रीम कोर्ट के लोग वहां नहीं देखेंगे, ये जो फैसला आया है आपका है, सरकार ने को ने मैनेज किया है, सरकार ने इस फैसले को मैनेज किया है, कोर्ट ने सरकार को भी 50% जिताया है और 50% हमको भी जिताया है, सरकार पूरा मैनेज करना चाहती थी, 2 बार राजेश बिंदल जी योगी जी मुख्यमंत्री से मिले हैं, सरकार चाहती थी पूरा मैनेज कर लेना, मतलब 0 कर देना, इसीलिए सरकार गई थी डबल बेंच, लेकिन देखिए जज साहब का भी तो बाल बच्चे हैं ना, उनको भी तो वेतन यहीं से मिलता है ना, उन्होंने सरकार को भी खुश करना चाहा, इसीलिए हमारा टिल डेट तक नहीं दिया, लेकिन चूंकि न्यायालय के प्रति लोगों का विश्वास भी बना रहे इसीलिए उन्होंने कम से कम 1 साल दिया, और 1 साल देकर उन्होंने एक रास्ता बनाया है, हमारे आपके लिए एक रास्ता बना दिया है कि बेटा ये रास्ता बना दिए हैं, अब इस रास्ते पे आगे चलकर जाकर जीत के ले आओ, और ये जो बातें लिखी गई है कि 8 घंटे पढ़ाते हैं अपने विषय के अलावा, ये सरकार के अधिकारी नहीं मानते इस बात को, अब वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो अनुदेशक संघ का प्रदेश अध्यक्ष नहीं कह रहा है, वो राजेश बिंदल मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं जिसकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार करती है, तो अब उन अधिकारी को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा कि 8 घंटे पढ़ाते हैं ये अपने विषय के अलावा
हिंदी भी पढ़ाते हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं इसमें जो अपने स्कूल में हिंदी भी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाते होंगे, मैथ भी पढ़ाते होंगे, और कुछ तो ऐसे होंगे भले कागज में हेडमास्टर नहीं होंगे लेकिन विद्यालय में वो हेडमास्टर होंगे, कागज में नहीं होंगे लेकिन वास्तविक रूप से विद्यालय का पूरा कार्यभार वो अनुदेशक कर रहा होगा। तो घबराने की बात नहीं है, एक कहावत भी है, दशा दस साल, और दस साल पूरा होने जा रहा है हम लोग का, अभी जो अंधकार है ये छटेगा और एक नया सूरज अनुदेशकों के जीवन में भी आएगा। और ये बरेली की सरजमी से मैं कह के जा रहा हूँ आपको, आपका दिन आप नोट कर लीजिएगा, 6 दिसंबर 6 जनवरी 2023 का दिन, और उस 31 दिसंबर 2023 से पहले फिर एक बार बरेली की धरती पे आऊँगा। और उस दिन यदि आप नियमित नहीं हुए होंगे तब आप हमसे सवाल करिएगा कि आप कह के गए थे, नोट कर लीजिए, डीके जी के इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, 6 जनवरी को कह के जा रहा हूं और 31 दिसंबर से पहले फिर आऊंगा, आप सबको नियमित करा के आऊंगा। लेकिन इसके लिए एक हाथ हमारा तो एक हाथ आपका, बोलिए तैयार हैं, ताली देखिए दोनों हाथ से भी बज रही होगी, एक हाथ से ताली कोई बजा पाएगा, कोई मर्द है तो बजा के दिखाए या कोई महिला ही तो बजा के दिखाए, बिल्कुल तो एक हाथ हमारा लीजिए एक हाथ अपना दीजिए और दोनों लोग मिलके, प्रदेश सरकार ऐसा नहीं है, सरकार कमजोर होगी बहुत कुछ करेगी। किसान कोई कहता था क्या किसान बिल वापस होगा, कोई कहता था, कोई कहता हो तो बताइए। लेकिन मोदी जी को क्या लगा कि उत्तर प्रदेश जा रहा है मेरा, मोदी जी को लग गया कि उत्तर प्रदेश जा रहा है बेटा, अब किसान बिल वापस करो, क्योंकि पश्चिम का पूरा जो बेल्ट है 145 सीट का वो किसान के बल पे, किसान वहाँ जीत हार तय करते हैं। आप लोग तो ज़्यादा जानते होंगे, हम तो पूर्वांचल के लोग हैं, लेकिन 145 सीट है वो किसान तय करता है। इसीलिए मोदी जैसा व्यक्ति को जो कभी झुका नहीं है उसको किसानों ने झुकाया, और मोदी जी को आकर उस दिन माफी मांगना पड़ा देश से, किसानों से, कि हम आपको या तो समझा नहीं पाए या मुझसे गलती हो गई। तो जब इस देश से किसान बिल वापस हो सकता है, धारा 370 समाप्त हो सकता है, भगवान श्री राम का मंदिर बन सकता है, तो अनुदेशक नियमित होना ही कौन बड़ी बात है। अरे भाई हमारे पास तो 10 साल का अनुभव भी हो गया, 10 साल का अनुभव भी हो गया, हमारी डिग्री किसी से कम नहीं है, और हम यदि 10 साल नहीं कुछ किए होते तो मोदी जी नई शिक्षा नीति में हमारे विषयों को मुख्य विषय नहीं बनाए होते और उसमें अस्थाई अध्यापक की बात नहीं कहे होते। तो आपकी जीत हो चुकी है 50%, 25% जीत आपकी इलाहाबाद। आप ये मत सोचिए कि आपको खुश करने के लिए हमें सारी बातें बता रहे, देखिए मेरी तो 45 साल उम्र हो चुकी है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो अभी नौकरी के होंगे, उनके पास अभी 40 नहीं हुआ होगा, तो मैं ऐसा नहीं कि आपको मैं सब्ज बाग दिखा के जा रहा हूं, ना मुझे कोई सांसद विधायक बनना है। देखिए मैं TGT में, हमारे साथी लोग हैं जानते होंगे, मेरी अंतिम मुलाकात होगी जिसे 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी, 13 अक्टूबर 2021, उन्होंने कहा कि जब आते हो खाली अनुदेशक ही चिल्लाते हो, जाओ TGT का फार्म आ रहा है दोनों लोग भर के बताना, दोनों लोग माने मैं और मेरी पत्नी। मैंने कहा योगी जी हमसे ये नहीं होगा, हम कायर बनना पसंद नहीं करेंगे, और आपको मालूम है उसी दिन से योगी जी मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। पिछले सरकार में मैं 56 बार मिला उनसे, मैं घर से गाड़ी उठाता था, मंदिर जाता था, मिल के चलाता था, और 13 अक्टूबर 2021 से मैं हर हफ्ता फोन करता हूँ मंगलवार के दिन, मुझे टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने कहा कि मैं कायर बनना पसंद नहीं करूंगा, यदि 27,000 अनुदेशकों का नेतृत्व कर रहा हूँ तो मैं इसके नियमितीकरण के लिए लड़ूंगा,
मुझे अपनी नौकरी नहीं चाहिए खाली, हाँ सबको आप दीजिए तो मैं सबको यहीं इकट्ठा करा के आपका जय जयकार करवा दूंगा। तो मैं उस चीज को छोड़ के आया हूँ। वो मेरी शादी में 17 जून 2005 को बारात गए हुए हैं, तो मैं तो एक खुद ऐसे व्यक्ति से लड़ाई लड़ रहा हूँ। 20 जून 2018 को जनता दरबार में मैंने योगी जी के खिलाफ नारा लगा दिया था, पुलिस ने दिन भर मुझे बद्र में बंद कर दिया था। तो जब मैं भगत सिंह बनने को तैयार हूं तो आप खाली साथ चलिए ना। मैं जब भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनने को तैयार हूं आप खाली साथ दीजिए ना, और साथ दीजिए, देखिए मैं आपको ना नियमित करा दूं तो फिर आप कहिएगा। तो यही लेने आया हूं मैडम, गोरखपुर की धरती से यही लेके लेने आया हूं, आपका साथ लेने आया हूं। कल बदायूं भी जाना है, शाहजहांपुर भी डीके वाई ले जाएंगे, पीलीभीत, मतलब पूरा जनपदों में प्रयास है कि कोई किसी मंच पे हो, एक साथ होकर एक लड़ाई हम लोग लड़े। नहीं तो 1526 वाली जो पानीपत का युद्ध अभी आपने बताया, वो युद्ध हम लोग को नहीं दोहराना है। तो यही सब आप लोग से कहने आया हूं, और आप सबका नमन करता हूं, खासकर मातृशक्ति को कि इतनी संख्या में मातृशक्ति आई है। किसी मीटिंग में मैंने इतना नहीं देखा, चाहे धरना में भी नहीं देखा, कि जितने पुरुष उतनी महिलाएं। कई धरना हुए अनुदेशक के, योगी सरकार में तो उसमें भी एस्मा लगा हुआ है, धरना भी नहीं दे सकता आदमी, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो वो भी दिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो धरना भी दिया जाएगा, लेकिन अभी